नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। फर्जी डिग्री मार्कशीट मामले में एक्शन हुआ है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। फर्जी डिग्री मार्कशीट का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने 3 सेंटर से 4 आरोपियों को भी पकड़ा है। आरोपियों से 13 यूनिवर्सिटी की 750 डिग्रियां मिली है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर फर्जी डिग्री मार्कशीट मामले में बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस का ये एक्शन, फर्जी डिग्री और मार्कशीट का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। 3 सेंटर से 4 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। आरोपियों से 13 यूनिवर्सिटी की 750 यानी कि 750 डिग्रियां मिली है। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, SIT का गठन हुआ था और ये एक बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में। देखिए, इस पूरे मामले में जो DCP ईस्ट हैं तेजस्विनी गौतम, उन्हें एक इनपुट मिला था कि 3 जो अलग अलग ईमित्र सेंटर हैं जो कि प्रतापनगर थाना इलाके में चल रहे हैं, वहां पर RSCIT की जो है कोचिंग के नाम पर और ईमित्र के काम के नाम पर जो है फर्जी डिग्रियों का जो काम है वो इसकी आड़ में चलाया जा रहा है। अचानक जो है कल देर रात को ही रेड यहां पर मारी गई। उसके बाद में अल सुबह तीनों स्थानों पर जो रेड है वो मारी गई है। तीनों स्थानों पर रेड मारने के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें खुलासा हुआ है कि तीनों स्थानों पर जो है बड़ी मात्रा में 13 यूनिवर्सिटीज की करीब 750 से ज्यादा डिग्री सर्टिफिकेट्स और इसके अलावा जो मार्कशीट्स हैं वो वहां पर मिली हैं अलग अलग विषयों से, अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई। उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए तेजस्विनी गौतम ने यहां मौके से 4 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया है। इन चारों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों में 2 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, बाकी अन्य आरोपी राजस्थान के बताए जा रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त DCP ईस्ट के ऑफिस में इनसे गहन पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में, क्योंकि डिग्रियां काफी सारी है और काफी यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी गहन पड़ताल के लिए 2 अलग अलग थानों के इंचार्ज और उसके साथ में DPSP लेवल के अधिकारियों की एक SIT का गठन किया गया है जो पर्टिकुलर इस मामले की पूरे इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगले 7 दिन के अंदर DCP ईस्ट को इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। कुल मिलाकर के फर्जी डिग्री, फेक डिग्री को लेकर के लगातार शिकायतें जो है वो पुलिस को मिल रही थी अलग अलग मुखबिर के माध्यम से और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो इनपुट मिला था पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद में जो 4 आरोपी हैं उन्हें डिटेन किया गया था। उसके बाद में उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 12 अलग अलग बैंकों की चेकबुक मिली है जिसके माध्यम से वो लेन देन करते थे। इसके अलावा पेटीएम मशीन्स मिली हैं, कैश जो इलेक्ट्रिकल ट्रांजेक्शन के इनपुट मिले हैं, एक बड़ा लेन देन का हिसाब किताब मिला है। उसके अलावा खाली स्टैम्प्स मिले हैं जिसमें वो लिखा पढ़ी करते थे और ये बताया जा रहा है कि फेक जो किरायेनामा बना करके बच्चों को एडमिशन दिखाते थे और बच्चों को घर बैठे ही यूनिवर्सिटीज की मदद से या फर्जी डिग्री जो प्रिंटर, जिस प्रिंटर से बनाई जाती थी, वो प्रिंटर समेत तमाम उपकरण जो है वो जब्त किए गए। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और अगले 7 दिन के बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो SIT की जो टीम है। लवली, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए माना जा सकता है कि कई और भी राज यहां पर खुल सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है SIT को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी चौसा बिछाना शुरू कर दिया है। झुंझुनू में पिछले 4 दशक के उपचुनाव का ट्रेंड देखा जाए तो जिले में आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई है। क्या फिर दोहराया जाएगा उपचुनाव का इतिहास? आम चुनाव से अलग होगा उपचुनाव का नतीजा? ये सवाल इसलिए क्योंकि झुंझुनू में अब तक जितनी बार उपचुनाव हुए वो आम चुनाव से अलग ही रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर झुंझुनू में उपचुनाव होने जा रहे हैं। झुंझुनू में अब तक 5 उपचुनाव हुए हैं, 2 विधायकों के निधन के चलते तो 3 उपचुनाव मौजूदा विधायकों के सांसद बनने के कारण। इस बार 4थी बार ऐसा मौका है जब विधायक के सांसद बनने पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में अब ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद क्या उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर पाएगी या फिर पुराने इतिहास की तरह ये सीट किसी दूसरी पार्टी की झोली में चली जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में अब तक 5 बार विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो चुके हैं। इस बार झुंझुनू सीट से विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला के सांसद बनने के बाद
सीट खाली हो गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि झुंझुनू में उपचुनाव का इतिहास कैसा रहा है। यहाँ 3 बार सांसद बनने पर उपचुनाव हुए, जबकि 2 बार विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हुए। इन सभी उपचुनावों में विधानसभा चुनाव के समय जिस पार्टी का विधायक जीता उस पार्टी की हार हुई। जिले में पिछले 28 साल के दौरान 3 विधायकों के सांसद बनने पर उपचुनाव हुए हैं, जबकि ये चौथा वाक्य होगा जब उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले झुंझुनू, सूरजगढ़, मंडावा में उपचुनाव हुए थे। शीशराम ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू में, संतोष अहलावत के सांसद बनने पर सूरजगढ़ में, नरेंद्र कुमार खीचड़ के सांसद चुने जाने पर मंडावा में, वहीं अब ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर उपचुनाव होगा। इससे पहले 1988 में खेतड़ी विधायक मालाराम के निधन होने पर 1982 में मंडावा विधायक लच्छूराम के निधन पर उपचुनाव हुए थे। आइए अब आपको 5 बार हुए उपचुनाव में कैसे विधानसभा से उपचुनाव का नतीजा अलग रहा है ये भी दिखाते हैं। झुंझुनू कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट पर अब तक हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 2 ही बार जीती है। साल 1996 में झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के शीशराम ओला के सांसद बन जाने के कारण उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी। बीजेपी के डॉक्टर मूल सिंह चुनाव जीते। 2013 में सूरजगढ़ विधानसभा से बीजेपी की संतोष अहलावत विधायक चुनी गयी। 2014 में लोकसभा चुनाव में संतोष अहलावत के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। यहां पर कांग्रेस के श्रवण कुमार ने बीजेपी के दिगंबर सिंह को हराया। 2018 में मंडावा विधानसभा सीट से बीजेपी के नरेंद्र कुमार विधायक चुने गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र कुमार सांसद चुने गए। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कांग्रेस की रीटा चौधरी ने बीजेपी की सुशीला सिंघाड़ा को हराया। खेतड़ी में 1985 में भाजपा के मालाराम विधायक चुने गए। उनके निधन के बाद 1988 में उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक चुने गए। मंडावा विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में जनता दल के लच्छूराम विधायक बने। उनके निधन के बाद 1982 में उपचुनाव हुए। यहां से कांग्रेस के राम नारायण चौधरी चुनाव जीते। 2014 के बाद चौथा मौका है जब झुंझुनू जिले में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पिछले 28 सालों का इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और इस बीच बड़ी खबर खैरथल से आ रही है, जहां पर खैरथल पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियारों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। मामले में 9 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। 8 देसी कट्टे और 1 पिस्टल भी इनके पास से बरामद की गई है। ये बड़ा एक्शन खैरथल पुलिस का कहा जा सकता है, बड़ी सफलता खैरथल पुलिस की कही जा सकती है। अवैध हथियारों के मामले में ये एक्शन हुआ है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया। ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया गया है, बल्कि इनके पास से 8 देसी कट्टे, तस्वीर आपके सामने है, और 1 पिस्टल भी बरामद की गई है। खैरथल थाने के अंदर 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं। किशनगढ़बास थाने में 2 देसी कट्टा, कोट कासिम के अंदर 2 देसी कट्टा और 1 पिस्टल, ततारपुर में 1 देसी कट्टा और मुंडावर में 1 देसी कट्टा। ये कुल मिला के 9 फायर आर्म्स उस कार्रवाई के अंदर हमने जब्त किए। और इसके अतिरिक्त करीब 150 जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और कुछ लोगों को पाबंद किया गया। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दल जीत की कोशिश में लगे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें से एक है 84 विधानसभा सीट, जिस पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में बीएसपी को यकीन है कि उपचुनाव में उसकी ही जीत होगी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत मानकर चल रही है। जीत की हैट्रिक लगाएगी बीएपी। कांग्रेस बीजेपी भेद पाएंगे बीएपी का किला। कौन बनेगा 84 का शहंशाह?
जब तक उपचुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक तमाम दल 84 सीट पर जीत का दावा करते रहेंगे, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी इस सीट पर काफी मजबूत रही है। राजकुमार रोड के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर जहां बीएपी फिर से जीत की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी राजकुमार रोड के किले को भेदने की कोशिश में लगी हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 84 सीट पर बीएसपी का कब्जा रहा है। बात बीएपी की करें तो इस सीट पर हैट्रिक के लिए उसने खास रणनीति बनाई है। ये साफ है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आदिवासी इलाके में भारत आदिवासी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। खासकर आदिवासी वर्ग का युवा बड़े पैमाने पर बीएपी से जुड़ा है। उपचुनाव में बीएपी सिलेक्शन प्रणाली के जरिए प्रत्याशी का चयन कर रही है, जिसके लिए 3 दावेदारों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें झोथरी ब्लॉक से पोपट खोखरिया, चिखली से अनिल और सीमलवाड़ा ब्लॉक से दिनेश का नाम शामिल है। इन तीनों में से बीएपी एक दावेदार को अपना प्रत्याशी बनाएगी। प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे। आदिवासियों के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीएपी ने उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीएपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा था। विधानसभा में जिन 3 सीटों पर बीएपी ने जीत दर्ज की, उनमें डूंगरपुर जिले की आसपुर और 84 सीट थी, जबकि प्रतापगढ़ जिले की धरियावत सीट भी शामिल थी। राजकुमार रोड के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर 13 नवम्बर को उपचुनाव होगा। 84 में विधानसभा चुनाव की 64 बीत चुकी है। तीनों ही दल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और बहुत ही जल्द अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाले हैं। बात सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करे तो उसने भी जीत के लिए रणनीति बनाई है। 84 सीट पर खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत 84 सीट पर अब तक सिर्फ 6,000 कार्यकर्ता जोड़ पाए हैं। ऐसे में राह उतनी आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी पूरी ताकत लगाने के मूड में है, जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जीत पर मंथन कर चुके हैं। संगठन भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश है, और अभी हरियाणा में लगातार 3री बार जीत भी मिली है, और आमजन भी समझ चुका है कि पिछले 2 बार में जो 84 क्षेत्र में कमल का फूल नहीं खिला, तो 84 का विकास है वो ठप के बराबर हो चुका है। इसलिए जनता ने मानस बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को इस बार 84 से जिता के भेजे, और 84 का जो रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़ पाए। 84 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को भी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दे दिया था, जिसके चलते 84 में कांग्रेस का वोट बैंक और टूट गया है। हालांकि उपचुनाव में गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है। हालांकि जानकारों की माने तो स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है। अब जनता ने ठान ली है कि कांग्रेस के सिवाय हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो जनता का मानस, युवक जो भटक गए थे उनका मानस भी कांग्रेस के प्रति है। इसलिए हम पूर्णतया जिसको भी हाईकमान टिकट दे, हम पूर्णतया चुनाव के लिए तैयार हैं। जो भी स्थिति होगी वो जनता के बीच में जाएंगे, और जनता माई बाप है, वो अपना निर्णय करेगी। उपचुनाव की घोषणा के बाद डूंगरपुर जिले में तीनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाई जा रही है। पिछले चुनावों को देखें तो पलड़ा फिलहाल बीएपी का ही भारी लग रहा है। फिलहाल तीनों दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जीत का ताज किसे पहनाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर। शक्ति और भक्ति के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग जग विख्यात है, लेकिन इस प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। प्रेम शब्द का नाम आते ही यहाँ स्थित मीरा मंदिर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। मीरा जयंती पर बाद दुर्ग स्थित मीरा मंदिर और मीरा की शक्ति की भक्ति की।
लोग कहे मीरा बावरी, सास कहे कुल नासीरी, विशरो प्यालो राणा भेजियो, पीवत मीरा हासीरी। जिस धन, वैभव और सुख समृद्धि को दुनिया वास्तविकता मानती है, उसे नकारने वाला बावला माना जाता है। ये बात और है कि इसी भक्ति में वो शक्ति होती है जो विष को भी अमृत में बदलने की ताकत रखती है। मंदिर की दरो दीवारें ऐसी ही अनोखी भक्ति की गवाह है, जिसे दुनिया मीरा के नाम से जानती है। मीरा और कृष्ण का प्रेम एक अद्भुत है। कलयुग में लगभग 500 वर्षों पहले मीराबाई 15वीं शताब्दी में हुई महाराणा कुंभा की बहू थी मीराबाई। 15वीं शताब्दी में जन्मी मीरा के बाल मन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बसी कि किशोरावस्था से लेकर धरती पर अपनी आखिरी वक्त तक उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। 7 बरस की मीराबाई थी, नन्ही बालिका। बाहर से बारात गुजर रही थी और मीरा बच्चों को शौक होता है, जो भी कुछ निकलता है बाहर से तो देखने का। तो मीरा ने देखा तो कि ये क्या है माँ, ये बारात है, ये दूल्हा है माँ, फिर मेरा भी दूल्हा होगा तो जरूर होगा, तो मेरा दूल्हा कौन? माँ ने सहज ढंग से कह दिया, तेरा दूल्हा ये कृष्ण है। माना जाता है कि विदाई के समय मीरा श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर ससुराल चित्तौड़गढ़ आई, जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। जैसा हम जानते हैं कि मीराबाई भक्ति में थी कृष्ण भगवान की, और इसीलिए जब वो शादी होके आई, प्रतिमा साथ में लेके आई, तो वो प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ही ये मंदिर बना था, और ये मंदिर उनकी भक्ति का ही प्रतीक है। तो वही फीलिंग हमें यहाँ आके हुई है। ससुराल में मीरा के लिए मंदिर बनवाया गया। पति और ससुर के निधन के बाद देवर विक्रमादित्य ने मीरा की भक्ति को उचित नहीं मानते हुए उन्हें कई प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन मीरा की भक्ति के आगे षड्यंत्रों की एक ना चली। उन्होंने इतना सहा, उनके देवर जो विक्रमादित्य थे उन लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जो डेडिकेशन का भगवान कृष्ण के प्रति था वही रहा। और आज एक नई चीज जो हमको पता लगी है कि भगवान सीता माता के बाद मीराबाई ने जो है भगवान कृष्ण के पल्लू में अपना अंतिम रथ द्वारकाधीश में। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का मीरा मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के साथ मीरा की पूजा अर्चना की जाती है। यही वजह है कि मंदिर प्रांगण में पांव रखते ही परिसर की आध्यात्मिकता भक्तों को अभिभूत कर जाती है। मीरा जयंती पर यहां आस्था का ज्वार उमड़ता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई, ठगों के जरिए ये कोशिश, लेकिन गनीमत रही कि वो इस स्कैम को लेकर पहले से अवेयर थे, जाहिर है फंसने से बच गए। हालांकि उन्होंने डिजिटली अरेस्ट करने वालों को ठगों का जो वीडियो था दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लिया, उसे बना लिया, और आज हमारी इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे कि कैसे स्कैमर आपको इमोशनल तरीके से आपके साथ खेलते हैं और पैसे ऐंठते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया था कि आपका बेटा 4-5 दिन पहले एक रेप मामले में था, जो ये वहाँ खड़ा हुआ था, तो हमने पकड़ लिया। स्कैमर्स की चाल से हो जाइए सावधान। दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, उन दोस्तों के ऊपर था लड़की का मैटर, उन्होंने लड़की के साथ रेप किया हुआ था। न्यूज 18 पर देखिए ठग कैसे बिछाते हैं जाल। भाई साहब बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप कैसे 3 दिन की बात तो कर मैं अभी हाथों हाथ कहाँ से लाऊं यार। रोते हुए आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी, सेम तो नहीं थी पर जैसे मेरे बच्चे की आवाज हो, पर मैं श्योर था कि मेरा बेटा नहीं है।
सतर्कता और जागरूकता से दी जा सकती है मात। इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। स्कैमर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव को भी स्कैमर्स ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता और जागरूकता के चलते वो बच गए। लेकिन उन्होंने इस दौरान ठगों का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। ये वीडियो न्यूज 18 राजस्थान के पास है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सावधान भी करेंगे और उस वीडियो के जरिए आपको जागरूक भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव से जानते हैं कि उन्हें कैसे फंसाने की कोशिश की गई। मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया था कि आपका बेटा 4-5 दिन पहले एक रेप मामले में था, जो ये वहाँ खड़ा हुआ था तो हमने पकड़ लिया, तो इसको अंदर बंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपके बेटे का? तो मैंने कॉल देखते ही मेरे को प्राइम फेसी लग गया था कि ये कॉल फर्जी है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे बेटे का नाम रमेश है, जबकि उसका वास्तविक नाम रमेश नहीं है। उन्होंने पूछा क्या करता है? मैंने कहा जॉब करता है, जबकि मेरा बेटा हकीकत में कॉलेज पढ़ने गया हुआ था। उन्होंने और लंबी बात करी। बात करते करते उन्होंने एक बार बच्चे से बात कराई तो उसकी रोते हुए आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी, सेम तो नहीं थी पर जैसे मेरे बच्चे की आवाज़ हो। एक अनजान नंबर से आई व्हाट्सएप कॉल के जरिए डॉक्टर प्रवीण भार्गव को फंसाने की कोशिश हुई। उन्हें बेटे की गिरफ्तारी का डर दिखाया गया, लेकिन एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव ने ना तो अपने बेटे की कोई भी जानकारी उनसे शेयर की और ना ही बताया कि वो क्या करते हैं, और पूरी बातचीत को दूसरे फोन में रिकॉर्ड किया और बाद में रिकॉर्डिंग को साइबर थाने को दे दिया। आइए अब आपको भी उस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं। बता दो, दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, उन दोस्तों के ऊपर था लड़की का मैटर, उन्होंने लड़की के साथ रेप किया हुआ था। हुकम, मेरे को ये तो पता चल जाए कि वो किस जगह खड़ा था। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक बार बात तो कराओ। ये बच्चे से बात करो, बच्चे इधर आओ, बात करो। इसके बाद ठग एक लड़के से बात करवाते हैं, जो रोते हुए डॉक्टर प्रवीण भार्गव से बात करता है। हाँ रमेश। हाँ पापा। बेटा क्या किया था तूने? पापा मैं दोस्तों के साथ खड़ा हो गया था, उन दोस्तों के ऊपर लड़की का मैटर था। रिपोर्ट आपको भी सावधान करती है, आप भी सतर्क रहें, डिजिटल अरेस्ट होने से बचें। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ।